हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, आरव का बैग पैक कर रही हूँ, लंच बन गया है, उसको लंच भी करवा दिया है और इस समय उसे रेडी हो रहा है और लंच भी करवा दिया, नहा भी गया है, नहा के सीधे ये स्कूल ड्रेस पहन लेता है। तो इसका बैग भी पैक कर दिया है मैंने, बैग तो रात को ही कर देती हूँ, बस लंच रखा है अभी। तो यहाँ पे चल रही है इसकी लिपाई पुताई, तो थोड़ा ये है कि क्रीम वगैरह लगा देती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे फिर दिन भर ऐसे ही रहते हैं। और तेल वगैरह लगा के यहाँ पे भेज दूँगी उसे स्कूल, और इसके बाद होंगे मेरे और सारे काम स्टार्ट। स्टार्ट मतलब ये मॉर्निंग में चले जाता है ना। तो इसके बाद मैं आज कर रही थी किचन की क्लीनिंग। तो कब से सोच रही थी मैं कि किचन क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, बट यही है ना, बच्चों के साथ फंस के रह गए आजकल ना, अब बहुत बिजी हो गया शेड्यूल। तो मैंने कहा फाइनली कर ही देती हूँ, कर ही देती हूँ। तो पहले मैंने सारे बॉक्स निकाले, और एक साथ तो होगा नहीं ये, क्योंकि मुझे हन्नू को भी स्कूल ले जाना है, मतलब बहुत काम करने हैं। तो यहाँ पे मैं डब्बे वगैरह मैंने कहा धुल देती हूँ, डब्बे वगैरह वैसे तो मेरे क्लीन रहते हैं क्योंकि मैं धुलती रहती हूँ ना, जैसे खाली होते हैं वैसे धुलती रहती हूँ। तो इस टाइम पर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं, बस ये कि थोड़ा सा ऊपर से, मैंने कहा जब किचन क्लीन कर रही हूँ तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा साफ़ कर ही देती हूँ इन्हें। और वैसे साफ़ हैं ये, क्योंकि अगर आप बीच बीच में धुलते रहो, छोटी छोटी सफाइयाँ करते रहो, तो डीप क्लीनिंग के दिन इस समय मेरा बस ये था कि फ़र्श मेरा बहुत गंदा हो रखा था, मैंने कब से किया नहीं था ये, जब हमारी पुताई हुई थी ना तो उस टाइम पे भी मैंने ढंग से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि आपको पता ही है मेरी कंडीशन कैसी थी। और तो फिर मैंने कहा फ़र्श का ही मुझे ज़्यादा था कि फ़र्श मुझे क्लीन करना, फिर ये था कि जब क्लीन कर रहे हो तो ऊपर से भी कर लो। और वीडियो के चक्कर से ही ये हो रहा था कि वीडियो बनानी है, तो इस वजह से नहीं, तो वैसे क्लीनिंग करनी होती तो कब की कर लेती, क्योंकि हर चीज़ देखना पड़ता है, बच्चे भी स्कूल स्टार्टिंग हो ही रही थी। तो यहाँ पे जो मैं उस मेरे रेक के ऊपर रखती हूँ ना, ये पन्नी टाइप की समझ लो कुछ, तो ये भी मैंने धुल दिए थे, और बर्तन ये डब्बे भी धुल दिए थे। अब इसके बाद मैं करूँगी और काम। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ पर मैंने हन्नू को छोड़ दिया था, नहीं हन्नू को छोड़ा नहीं था, बट हन्नू का सारा काम कर दिया था, उसको नहला दिया था, कपड़े वगैरह शायद पहना दिए थे, ब्रेकफास्ट हो गया था, झाड़ू पोछा मेरे रूम का हो गया था। तो यहाँ पे हाँ, स्कूल भी छोड़ के आ गई थी मैं उसे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये नीचे का सारा सामान बाहर निकाल रही थी, और उससे पहले मैंने ये कर दिया था कि ऊपर मतलब डब्बे वगैरह मैंने रख दिए थे, और वो क्लिप मिस हो गई, पता नहीं कहाँ खो गई। तो ऊपर वो, क्योंकि जब तक मैं उसे स्कूल छोड़ के आई, झाड़ू पोछा किया, उसे तैयार किया, तब तक सब सूख गया था, तो मैंने ऊपर के बर्तन वगैरह लगा दिए थे। और यहाँ पर मैं ये टाइल्स साफ़ कर रही थी, तो बस यहाँ पर ये टाइल्स की घिसाई चल रही है। और यही होता है कि मतलब वैसे तो साफ़ हो जाता है जब हम कपड़ा वगैरह करते हैं, बट लेकिन धुल के ना अलग ही थोड़ा ये कि क्लीन वैसे दिखता है, बिल्कुल चमकती है टाइल्स वगैरह। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह मैं धुल दूँगी। और यही है कि काम ना मेरा रुक रुक के ही चला, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, उन्हें तैयार भी करना था। तो मैंने सोचा था कि आज, और किचन का वो रूम का तो सारा काम मेरा कम्प्लीट था, बस यही था। और कपड़े भी मैंने आज लेट ही धुले थे, जब हाँ मतलब हन्नू को स्कूल से लाके 12 बजे, उसके बाद ही मैंने कपड़े वगैरह खाना पीना किया, और 2 बजे तक मेरा ये काम चला किचन का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हो रहा था। तो यहाँ पे पानी वगैरह डाल के, और बहुत अच्छा हो गया था किचन ना, बिल्कुल क्लीन हो गया था। खिड़की वगैरह भी मैंने धुल दी थी, और इसके बाद बारी आती फर्श की, जो सबसे गंदा था। तो मैंने ना ये स्क्रबर की हेल्प से ही किया था, इसमें वो मतलब सर्फ वगैरह डाल के और इसे रगड़ दिया था, देखो कि ना पता क्या वो हो गया था ना,
मतलब चूहा, जैसे मैंने बताया था आपको चूहे थे बीच में, तो वो गंदगी हो रखी थी इस वजह से। देखो आप देख रहे होंगे अभी फर्श चमकने लग गया अभी से ही, क्योंकि बस यही है कि थोड़ा सा गंदगी जम रखी थी, ऐसी जमी हुई भी नहीं थी, सिर्फ किनारे किनारे थी, तो बिल्कुल क्लीन हो गया था फर्श और बहुत अच्छा लग रहा था, और कैमरा भी हिल रहा है, तो हो गया मेरा फर्श। और यहाँ पे मैं मतलब हनु को लेके आ गई हूँ, और ये भी मैंने निकाली थी, इसका मैं वीडियो मतलब मेमोरी फुल हो गई थी, मुझे पहले मेमोरी खाली करनी पड़ी, तो उसके बाद मैंने ये निकलता नहीं है पता है, बहुत मुश्किल से निकला ये। और तो ये भी मैंने धुल के बहुत अच्छे से बाथरूम में धुला साफ से ब्रश की सहायता से, तो ये लगने में भी बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि निकला ही बड़ी मुश्किल से था, तो लग गया है। और अब यहाँ पे मैं बर्तन भी रख लूँगी, और बर्तन भी मैंने सारे धुले जितने इसमें थे, सारे बर्तन धुले, क्योंकि यही होता है कि सफाई कर रहे हैं तो ठीक से ही कर लो, बस यही चलता है। तो यहाँ पे सारी सफाई हो गई है, तो इसके बाद ये है कि फैला तो था, पूरा साफ हो गया था, देखो कितना चमक रहा है। तो अब ये टोकरे में मैंने बर्तन चम्मच वगैरह जो भी रखी थी ये मैं लगा दूँगी ठीक से, क्योंकि इसके बाद अब मुझे बनाना है खाना। और पहले मैंने चावल चढ़ाए, उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धुल के फिर मैंने कढ़ी बनाई थी, क्योंकि दाल वगैरह कुछ उबाली नहीं थी, कंडीशन देख ही रहे हो आप किचन की कैसी हो रखी थी। तो साफ़ करके सारे बर्तन अंदर ले आई थी, मैंने कहा अब इन्हें समेट ही लूँगी अंदर जाके। तो इस टोकरी में मैंने अपना प्लास्टिक के बर्तन सारे इसमें रख दिए हैं, तो बस कुछ कुछ क्योंकि चेंजेस भी होते ही हैं जब क्लीनिंग करो ना, तो कुछ कुछ चेंज भी करा ही जाता है, कर दिया मैंने चेंज वगैरह जो भी। तो यहाँ पे अब बारी आती है टोकरी की, मैंने ना ये टोकरी है ना ये मैंने बाहर निकाली थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ इतना ना ज़रूरत नहीं थी इसकी, पहले बर्तन वगैरह रखती थी मैं इसमें, तो हो गया। तो अब टोकरियों में मैंने सब ये आलू थे मैंने इसमें नीचे रखे हुए, तो ये आलू मैंने टोकरी में रख दिया, टोकरी बहुत सारी है मेरे पास, तो फिर मैंने ये बाहर ही निकाल दिया, इसका देखती हूँ क्या यूज़ आता है। और कप वगैरह थे, कप वगैरह यूज़ होते हैं नहीं, कोई आता है नहीं, हम तो हमारे कप अलग ही हैं, हम उनमें ही पीते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ये टोकरी वगैरह भी सब मतलब प्याज, वो प्याज वगैरह तो आजकल यूज नहीं रही बट है तो है ही, तो अलग रख दिए हैं, और आलू अलग टोकरी में रख दिए हैं। और इसके बाद मैंने ये वाली टोकरी भी धुली थी, ये भी सारी क्लिप मिस हो गई, बोला ना मैंने कि मेमोरी भी फुल हो गई थी और कुछ क्लिप मिस भी हो गई थी, तो ये भी धुल धाल के मैंने अब इसमें भी। और इसमें ना ये जैसे मेरे पास जैम, मतलब बच्चे जैम बहुत खाते हैं मेरे, जैम सॉस वगैरह, तो सॉस के तो पाउच ले आती हूँ मैं, तो जैम के तो शीशियाँ ही आती हैं, तो बहुत सारी रहती है छोटी छोटी बड़ी बड़ी, मैंने जो ऊपर मेरी शीशियाँ रखी उनके तो मैंने पहले ही निकाल दिए थे, तो ये इनके कवर निकाल दिए मैंने, इससे ना ये बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और पता भी चल जाता है कि क्या सामान है इन पे। तो ये निकाल दिए हैं मैंने, अब इसकी सफाई करके, मतलब सफाई तो मैंने धुल दी थी सारी शीशियाँ भी, टोकरी भी, बस पोंछ पाछ के इनको रख दूँगी यहाँ पे। और इसमें यही रहता है छोटा बड़ा मतलब छौंक वगैरह का सामान जैसे, तो वही सब रहता है इसमें, तो ये इसके ऊपर रहती है फ्लोर के ऊपर। सो फ्रेंड, हो गया है किचन एकदम चकाचक, और धुलने के बाद ना टाइल में अलग ही शाइनिंग आती है, देखो मैं दिख रही हूँ सामने, तो इतनी शाइनिंग आती है, भले ही हम कपड़े से पोंछते हैं विम बार से वो करते हैं बट लेकिन। और ये ना ये सारी जैम की शीशियाँ हैं, तो मैंने इनके ये जैसे नीचे हैं तो मैंने इनके वो जो कवर होते वो निकाल दिए, और अच्छी लग रही है ना, तो ये तो पहले ही निकाल देते मैंने बट नीचे वाले के नहीं निकाले थे, तो ये निकाले हैं, तो साफ सामान भी दिख जाता है इसमें साफ, और डब्बे तो मेरे साफ ही थे क्योंकि मैं धुलती रहती हूँ जैसे पता ही है। तो फिर बस फर्श मेरा बहुत गंदा हो रखा था, तो खाना भी बन चुका है, और यहाँ पे मेरे ऐसे छोटे मोटे सामान रहते हैं, यहाँ पे रिफाइंड रहता है और एक ये चम्मच वगैरह तो यहाँ रहती है, बट वही करछी वगैरह ऐसा सामान रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बर्तन धुलने के लिए ये कप वगैरह और टिफ़िन है बच्चों के, और रेक भी बिल्कुल चमक गई है, ये भी निकाल के ही मैंने करी थी। और तो नीचे भी थोड़ा चेंजेस किए मैंने, जैसे ये वाली टोकरी रहती थी ना यहाँ पे, उस पर प्लास्टिक के बर्तन रखते, तो मैंने ये ऊपर ही रख दी, यहाँ पे सब्जी वगैरह है, यहाँ पे आटा चावल है, जूस है, सिलबट्टा है, तेल
तेल है और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा सामान जो राशन का रहता है वो रहता है। यहाँ पे भी ऐसा थोड़ा बहुत डब्बे हैं और इसमें स्टील के बर्तन है, उसमें प्लास्टिक के बर्तन है। बस ये कर दिया मैंने, पहले ये बड़े वाले उसमें था, ये ऊपर रहता था, बट अब ऐसे कर दिया मैंने। तो कैसा लग रहा है? अब फर्श देखो आप, बिल्कुल चमक गया, बिल्कुल चमक गया फर्श। तो कैसी लग रही है मेरी किचन बताना। सो फ्रेंड, तो किचन एकदम हो गई है मेरी क्लीन और अभी 2 बज गए हैं और सुबह से लगी हूँ मैं यही ना, बीच में खाना भी बनाना था, बच्चों को लेने भी जाना था, तो ये सब काम थे और बहुत बुरी तरीके से आज थक गई हूँ, बहुत बुरी तरह से। अब बच्चों को खाना दूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। पसीना तो आप देख ही रहे हो और अंदर बच्चों की टीवी चल रही, इसलिए मैं बाहर आई वीडियो का एंड करने। तो वीडियो का एंड करती हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।